नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फरुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। फतेहगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। भारत माता, सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई की झांकियां तिरंगा यात्रा में शामिल रही। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जेएनबी रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ। जेएनबी तराहा, फतेहगढ़ चौराहा, कोतवाली फतेहगढ़ व कचहरी तराहा मेन बाजार होती हुई तिरंगा यात्रा दुर्गा नारायण विद्यालय पहुंची। वहां वंदे मातरम व भारत माता की आरती के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा के दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा भव्य 75 मीटर का तिरंगा यात्रा में निकाला गया, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। यात्रा में सबसे आगे रानी लक्ष्मीबाई, बच्चन शेखर आजाद, भारत माता व साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रही थी। सबसे पीछे भारत माता के स्वरूप की झांकी रथ पर विराजमान थी। यात्रा में सबसे आगे डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों पर युवा थिरकते रहे। नगर में डॉक्टर विशाल अग्रवाल, उमेश चतुर्वेदी, मुन्नालाल बाशणे, नरेंद्र पांडे, राजीव पाठक आदि दुकानदारों व डॉक्टर आदि ने तथा नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जलपान आदि की व्यवस्था देखी। इस दौरान ऋषि दत्त, अनिल प्रताप, जिला प्रभारी अमृत महोत्सव संघ परिवार से जिला प्रचारक प्रवीण, वीरेंद्र सिंह, ओमवीर, भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स आदि व नगरवासी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से शैलेश सिंह ने व्यवस्था संभाली।